अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो छठा रोजा आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और मैंने साहब भाई अभी रेडी शेडी हो रहे हैं, तो हुसैन बाहर जा रहा हूँ, फटाफट आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम युसरा, तुम दरवाजे में मुझे छोड़ने आ गई हो। अल्लाह हाफिज भी साथ साथ और अस्सलाम वालेकुम भी साथ साथ। सही, मुझे लगता है कि आज देर हो जाएगी हमें वहाँ पर प्लॉट पे। हो सकता है कि इफ्तारी भी वहाँ पर ही करनी पड़े, क्योंकि आज बहुत काम है, बहुत। चलो फिर इफ्तारी के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब। बॉस किधर? क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। रोजा कैसा गुजर रहा है आपका आज? मेरे तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताओ, आपको टेंशन नहीं हो रही कुछ भी? हो रही है, क्यों नहीं हो रही टेंशन? किस चीज की टेंशन हो रही है? हमें हो रही है अपने छत की टेंशन। छत की टेंशन नहीं, तोतों की टेंशन। मुझे तो इतने अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कौवे ने तोते खा लिए। मुझे ऐसे ऐसे रात में ख्याल आ रहे थे। कुछ नहीं होगा, आपने जो बेहतरीन वो बनाया ना पिंजरा, हाँ, उसमें कुछ नहीं होगा भाई। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस यार अब जल्दी से चल के देखते हैं हम, तोते बिल्कुल खैरियत से होंगे। जल्दी जल्दी आ जाओ मैनेजर साहब, अभी बहुत काम है रास्ते से। भाई अभी ना मैं तुमको उतर कर दिखा दूंगा सीढ़ियों से उतरते कैसे हैं। ठीक है, ये रही सीढ़ियां। उतरते ही ऐसी हैं। तो भाई अभी हम लोग को जाना है मिनी वर्ल्ड हाउस। मिनी वर्ल्ड हाउस नहीं जाना, बल्कि हमें जाना है शेठ की दुकान पर। क्यों बॉस? हाँ, शेठ आज फाइनली हमारे प्लॉट पे लगने वाला है, और शेठ के जो वर्कर है ना वो हमारा वेट कर रहे हैं, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। सबसे पहले हमें जाना शॉप, फिर वहाँ से उनको लेके अपने प्लॉट जाना है। तो अपनी फरारी का जरा लगाओ ना छठा गियर, सातवा लगा देता हूँ यार, क्या मसले वाली बात है। ओके बस बार उड़ा दो इसको आज, आज तो वही था आसमान पे चलते हैं हम लोग। One hour later. पहुंच गए भाई हम शॉप पे, और सारा सामान हमारा लोड हो चुका है पहले से ही। भाई लोड तो किसमें हुआ है चेक कर रहा हूँ। आओ अभी चेक नहीं कर रहा ना, अभी दिखी नहीं रहा, आगे से देखना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ, आगे से जाके देखते हैं। ओए होए होए, गधा गाड़ी पे इतना वजन डाल दिया, इतना वजन देख यार, इतने ये भारी भारी बांस हैं। वही ना बेचारा यार, क्या गए आप यार, इसका रोजा तो नहीं है हुसैन? इसका रोजा नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये पहुँचेगा तो सुबह तक, कल पहुँचेगा। नहीं नहीं जल्दी पहुँच जाएगा यार। भाईजान आप जल्दी जल्दी स्पीड मारो, वरना रोजा खुल जाएगा। रोजे से पहले पहले आपको वहाँ पर पहुँचना है। गधा ठीक है, समझ गया। तो भाई ये सारा सामान है जो छत पे लगना है, ये देखें इतने भारी भारी बांस, सारा काम आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज या कल में इंशाल्लाह। अंकल इसको जहाज बनाना है आपको। आते रहे आते रहे। चलो भाई अंकल तो जा रहे हैं। भाई अंकल एक घंटा टाइम दिया है ना, एक घंटे बाद मिलते हैं। ओके ओके ओके। One hour later. चलो बॉस पहुंच गए हम खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ आ जाओ, भागो भागो। ओ भाई, अरे 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 अरे, ओए होए 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 होए, खुश हो गए देख के यार, सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, मजा आ गया इनको भाई। वो व्हाइट वाला का है मेरा, बोरा 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 बोरा। खाना दाना पानी इन्होंने खाया? दाना पानी भी खाया भाई, खाया भाई। चलो ये अच्छी बात है, हमारे तोते सही सलामत है, सही सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हो रहे थे, ये जो फड़फड़ा रहे थे ना, ये खुशी है इनकी, हमें देख के ये खुश हो गए। सो गाइस हम अपने प्लॉट पे पहुंच गए खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे तोते खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस शेड लगने की बारी है। शेड वाले कारीगर भाईजान साहब आ गए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? रोजा है आप तीनों का? रोजा है? कहाँ है सामान वगैरह? कहाँ है भाई? सामान वाला आने वाला है अभी। बस सही है, इंतजार करते हैं, फिर हमारा शेड लगने वाला है आज या कल। कितनी देर में लगेगा भाई? कोई भरोसा नहीं है, एक दिन भी लग सकता है, दो दिन भी। काम आपको ऐसा करना है, बस अपना काम समझ के करना है, ठीक है? सही है, और बाकी जो डिजाइन विजाइन इधर बनना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? बीच में से जो है ना एक हमें होल देना है, यहाँ पर हमें रोशनी चाहिए, यानी 8 फीट का ऊपर से एक होल आना चाहिए। तो शेड हम बनवा रहे हैं, बीच में से एक होल आएगा उसके, ठीक है? सही है, सही। बस समझ गया मैनेजर साहब। देखो तोतों को पता है कि झूला झूलना है, वो लाइन से बैठ गए सारे। तुम इधर आओ, मैं इनको दोबारा झूला झुलाता हूँ। दरवाजा तो खोलो। ओके बॉस, एक सेकंड। ओए ओए ओए, चलो बॉस। आहा, आहा। ये तो तुम आज खराब झूला रहे हो झूला, ये लोग उड़ रहे हैं वहां से। सही है? हाँ आप सही है। अब बहुत है, बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बंद करो बंद करो, लेने दो, हो गया इनका झूला।
गाड़ी गलती हो गई, गाड़ी कहाँ गलती हो गई। चलो 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 बॉस, गधा गाड़ी कहाँ गलती हुई है तेरा, देखे तो। अभी बंदे ने आके बताया यार गधा गाड़ी गलती हो गई, पीछे सारा सामान गिर गया उसका यार। तो बॉस ऐसा लग रहा था कि गधा गाड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि उस पे बेचारे पे इतना जो लोड डाल जाता ना, तो यही होता है। क्या कर रहे हैं अभी यार, सामान बस खराब ना हुआ हो, गधा भी बच गया हो, गधे वाला भी बच गया हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ नहीं हुआ होगा बॉस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओ भाई ये गिरा हुआ सामान यार सारा रोड पर, अभी अंकल दोबारा से रख रहे हैं ये। और ये रहा भाई गधा यार, इस पे इतना वो लोड रखेंगे तो यही होता है, ये होगा जब इतना लोड रखें तो गिरे गई पलटे गई गधे वाला भाई। और ये भी बांध रहे हैं दोबारा से, अब दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है अंकल को। अभी तो ये लेकर जा रहे हैं ये वाला सामान अंकल, और बाकी इसके जो डंडे वंडे थे ना ऊपर, वो तो वहीं छुट गए, दूसरे चक्कर में लेकर जाएंगे बॉस। अभी वो गधा गाड़ी वाला सिर्फ थोड़ा सामान लेकर गया, बास बास उसने छोड़ दिया रोड पर, दूसरे चक्कर में वो बास बास लेकर जाएगा। मैंने बोला पहले ये ले जाओ फिर उसके बाद ले जाना ये वाला दूसरा सामान, क्योंकि बाना नहीं जा रहा था ना उससे, हार्ड हो रहा था। मैनेजर साहब तुम काम के बंदे हो, तुम ऐसा अच्छा काम सीख रहे हो, मैनेजमेंट सीख रहे हो, बहुत अच्छा तुमने ये बोला कि वहां पर ये सामान ले जाओ, बाकी थोड़ा बहुत सामान जो है वो बाद में ले जाना। शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस क्या सीन हो गया यार, गधा गाड़ी पलट गई यार, पता नहीं था मैं कि यार पलट जाएगी। अब हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जो हमारा सामान यहाँ पर नीचे रखा हुआ है, अब गधा गाड़ी वाला आएगा यहाँ से सामान लेगा, फिर हम जाएंगे उसके साथ प्लॉट। ओ भाई आ गया सामान, थोड़ा थोड़ा आ गया आधा। यार कितना ज्यादा सामान है, सारे बांस अभी नहीं आए, बांस अभी सेकंड शिफ्ट में आ रहे हैं। ये चटाई बताऊं तुम्हें कहाँ लगनी है, ये चटाई ऊपर लगनी है और नीचे लगनी है, बीच में आएगी प्लास्टिक जो होगी वाटरप्रूफ। अच्छा 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 बॉस, प्लॉट पे गड्ढा होना शुरू हो गया है भाई, यहाँ पर डलेगा बांस भारी वाला। फाइनली आ गया भाई गधा गाड़ी वाला, जो सामान हमारा वहाँ पर गिर गया था वो सेकंड शिफ्ट में आ गया है। भाईजान सामान जल्दी रिलीज करो, इससे गधा देखो बिल्कुल नीचे दब रहा है यार, फटाफट लिया फटाफट। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, हमारे दो पिलर जो शेड के हैं वो खड़े हो चुके हैं। मैनेजर साहब असर की नमाज का टाइम हो चुका है, टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है बॉस 17:21 यानी 5:21। यस यस जी, असर की नमाज का टाइम हो गया, जल्दी चलो असर की नमाज पढ़ने चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद हमें बहुत सारे काम है यार, हमें इफ्तारी के लिए सामान लेना है बाहर से। असर की नमाज के बाद क्या सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है, क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब होता है ना मैनेजर साहब? वैसे तो मैंने सुना है लोगों से कि असर के बाद रोजा ज्यादा लगता है, क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा हो, तुम बोल रहे सुकून मिलता है। मुझे तो भाई कोई रोजा नहीं लगता है, असर की नमाज नहीं, नमाज के बाद की कोई सी भी नमाज हो, फजर जोहर मगरिब इशा असर, सुकून मिलता है भाई आपको। ओके कारी साहब। सो गाइस अभी हमें जाना है सामान लेने इफ्तारी के लिए, आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं माशाल्लाह, जो काम करने आए हुए, जो शेड लगाने आए हुए, वो सब हमारे साथ हैं। बॉस मुझे एक बात तो बताओ आप, अभी लेना क्या क्या है भाई इफ्तारी में? हम तो घर पर तो वो खाते हैं, चाट खा ली, समोसा खा ली, ये सारी चीजें तो हमारे पास है ही नहीं, किचन तो है ही नहीं जो कि हम लोग खुद बना ले। किचन भी बना ले अपने प्लॉट पर, बहुत मजा आ रहा है यार। मेरी बात सुनो, इफ्तारी के लिए हम लोग लेते हैं बिरयानी, हलीम और अपना रोल समोसे, ठीक और है, जूस वगैरह ले लेते हैं, बस इससे हो जाएगी इफ्तारी। समझ गया। अस्सलाम वालेकुम, कीमे का समोसा दे दो चार, और चार आलू के समोसे दे दो, और चार रोल दे दो। अस्सलाम वालेकुम, एक किलो बिरयानी मिल जाएगी? नहीं, एक किलो बिरयानी कर दें फिर आप। A few moments later. इफ्तारी के लिए देखे हमने टेबल कितनी खूबसूरत बनाई है टाइलों से और ब्लॉक से। हमारे पास इफ्तारी के लिए जूस, बिरयानी, हलीम और रोल समोसे वगैरह। भाईजान आप लोग भी हमारे साथ इफ्तारी करोगे आज, ठीक है? बस आ जाओ, मैं तो बोल रहा हूँ अभी अजानों का टाइम होने वाला है, सिर्फ 5 मिनट रहते हैं, सिर्फ 5 मिनट। अभी आप काम बंद कर दो, इफ्तारी के बाद फिर कंटिन्यू कर लेना। अपने प्यारे प्यारे तोतों के साथ इफ्तारी करेंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। इन लोग के लिए इफ्तारी तो भाई इनकी है, इनका खाना और पानी। चलो चलो मेरे साहब, जल्दी जल्दी इफ्तारी निकालो, जल्दी जल्दी। अजान स्टार्ट होने वाली है, अजान स्टार्ट होने वाली, हो गई हो गई हो गई। रोजा खोल लो। अल्लाह मैंने लगा सुन तो गिरा मन तो वाले का तवक्कुल तो वाला रिस्क तो अफसल से जो उसके साथ रोजा खोलेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब सुकून के साथ इफ्तारी करते हैं बिल्कुल, फिर मुलाकात करते हैं नमाज पढ़ने के बाद। सो गाइस इफ्तारी हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज का रोजा हमारा हमारे मिनी वर्ल्ड फार्म हाउस में हमारे तोतों के साथ हमने खोला है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ब्लॉग को हम यहाँ पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो गाइस ब्लॉग को हम यहाँ पर एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।